कोई एंटी मौलवी आपका एजेंडा है तो हम तो आपके साथ नहीं है। पैसे तो देते नहीं अपने एम्प्लॉयज के, बातें करते हैं ये राइट्स की, शर्म नहीं आती है इन लोगों को। इस तरह की गलती, माफी मांगनी है तो फिर मैं और आप माफिया ही मांगते रहेंगे लोगों से। देना जरा किसी कालेदम तंजीम के ऊपर कहना आके कि उससे माफी मांगनी है, मैं देखता हूँ कैसे कोने सेकेंगे उस सारों के आके, क्योंकि आप जाती तौर पर गवाह हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मैं को रुझत पसंद इंसान नहीं हूं। थैंक यू सो मच मुबशिर लुकमान साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि प्रिंस हैरी ने पिछले दिनों बरतानिया में एक बयान दिया, बयान क्या दिया बल्कि कुछ मीडिया हाउसेस को एक खत लिखा कि जी तुम लोग झूठी खबरें देते हो, तुम लोगों के साथ आज के बाद मैं कोई राबता नहीं रखूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। उनसे किसी ने माफी का मुतालबा नहीं किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौलाना तारिक जमील की जो एपिसोड हुई है वो आपके सामने है, आपने बड़ी उस पर एक स्ट्रांग वीडियो भी बनाई। जो मौलाना तारिक जमील के साथ हुआ और उनकी माजरत करने के बाद जो रवैया इख्तियार किया गया, क्या आप समझते हैं कि वो ठीक था? काजमी साहब पहले तो आपका शुक्रिया, और दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा खुलकर दे दिया उस वीडियो में, जो मैं समझता हूँ। मैं आपको एक बात ऐड कर दूं कि आप और मैं, हम 100 दफा बात करते हैं कि यार फलां हमारे एक दोस्त के साथ एक वाक्या हुआ, मेरी से ये बात हुई, तो उसके ऊपर हम ये थोड़ी है कि वो पूरी कोई ट्रेड के ऊपर, पूरी लोगों के ऊपर, हर एक के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हैं कि यार सारी ऐसे ही हैं और सारों को हम और आप दुम पे खड़े हो जाए अपनी आके कि जनाब नहीं 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 मुझे बताएं वो कौन था। क्या बताना यार, तुम्हें नहीं पता कौन था तारिक जमील साहब के पास, कौन उनका दोस्त है, सबको पता है कौन उनका दोस्त है, ऐसी भी कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि एक बड़ापन होता है एक शख्स का जब वो आके कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ, और वो चाहे गलती भी ना हो जबकि उसकी खास तौर पर, तो आप उसके बाद भी लगे में यार आप क्या करना चाह रहे हैं। आप अपना सिर्फ, अगर आपने कोई एंटी मौलवी आपका एजेंडा है तो हम तो आपके साथ नहीं है। हाँ लेकिन वाकई अगर वाकई कोई ट्रुथ फाइंडिंग एजेंडा है तो फिर बताएं हमें। अब मीडिया का भी हाल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपने कितने चैनल्स पे काम किया, आपको भी उनके करतूत पता है, मुझे भी पता है, और मैंने कईयों को देखा भी अपने सामने। पैसे तो देते नहीं अपने एम्प्लॉयज के, बातें करते हैं ये राइट्स की, शर्म नहीं आती है इन लोगों को। आप नवाए वक्त बंद हो गया, और वो कहने को मजीद निजामी साहब की साहबजादी हैं जो अडॉप्टेड बेटी है रमीजा उनकी, लेकिन कितने लोगों के पैसे खा के मारे हुए उसने, उसको शर्म नहीं आती है। ये नहीं चीजें नजर आती ना सीपीएनई को, ना एपीएनएस को, ना पीबीए को, ना कोई आपकी एम्प्लॉयज के हकूक के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आपकी होगी। पर उसमें उसमें सर एक गिला ये भी तो है ना कि जो बड़े बड़े एंकर हैं उनमें आपके दोस्त भी हैं, वो भी इंप्लॉयज के लिए उन्होंने कभी एक ट्वीट नहीं की, मौलाना से वो सोर्स पूछते हैं। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए तो जिम्मेदार नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर हमने ये करना है ना कि हर एक माफी, यानी इस तरह की गलती, माफी मांगनी है तो फिर मैं और आप माफिया ही मांगते रहेंगे लोगों से, हमारा सारा दिन इसी में निकल जाएगा। और ये बिला मुबालगा ऐसी कोई, इसमें कोई देना जरा किसी कालेदम तंजीम के ऊपर कहना आके कि उससे माफी मांगनी है, मैं देखता हूँ कैसे कोने सेकेंगे उस सारों के आके, लग पता जाएगा। यार आप शरीफ लोगों को आप मत प्रेशराइज करें, अल्लाह की भी पकड़ होती है, अल्लाह का पैगाम फैलाने वाले लोग जो होते हैं उनको प्लीज आप उनसे मुकाबला ना करें, वो डिफरेंट लेवल पे हैं। तारिक जमील साहब का शुमार उन उलमा में होता है जिन्होंने कभी तफरकाबाजी या इस किस्म की कोई बात नहीं की, हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की है। कम से कम मैं समझता हूं कि 1 करोड़ फॉलोअर तो होंगे ना तारिक जमील साहब के पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में और पाकिस्तान, 1 करोड़ उनको बड़ी बात नहीं है। 1 करोड़ का मतलब क्या है, वो आदमी 80 सीटें ले सकता है नेशनल असेंबली की, उसको तो सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको पावर से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ दीन का, तदरीस का, दर्स का, दर्स ये काम कर रहा है, उसको प्लीज करने दें आप, वो भी रमजान के महीने में आप उलझा रहे हैं उनको खामखा में। तारिक जमील साहब इंतहाई काबिल एहतराम और हमारा हमारा फख्र है, और हमारे लिए ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम उस जमाने में हैं जिसमें वो हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। और ऐसे तमाम उलमा, सिर्फ मैं मौलाना तारिक जमील साहब की बात नहीं कर रहा, ऐसे तमाम उलमा जो लोगों को इकट्ठा रखते हैं, जो लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पहुंचाते हैं, उन लोगों की कदर करनी चाहिए, ठीक बस यही मैं कह रहा हूं। और ठीक अच्छा बाय द वे मैं एक और बात भी कह दूं, क्योंकि आप जाती तौर पे गवाह हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं को रुझत पसंद इंसान नहीं हूं, मैं बहुत लोगों से ज्यादा मॉड हूं। और मैं किसको कहता हूं मॉड, जो मैं अपनी बेटी को तालीम जिस तरह दिला रहा हूं,
जो मेरी बीवी को हकूक है, मैं उससे बात करूं कि मैं कितना मॉडर्न हूं और मैं कितना लिबरल हूं। मैं उस तरह का रुझान पसंद नहीं हूं जैसा को समझ ले कि यार मैं मौलवियों की सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं वो हूं। नहीं, मैं इनलाइटेंड हूं और मैं हर एक का हक जो है उसको उसका पास रखता हूं।